चूहा जो है ना हमारे रूम में चूहा छेद कर दिया है तो बिल बंद कर दी। देखिए इधर दिखा ना मुझे, यहाँ पे बिल था उसको मिट्टी से छेद बंद करी हूँ, अंदर से बंद करके आ गई हूँ घर साइड से, मतलब हमारे रूम में छेद कर दिया तो उसको बंद कर दिया, अभी बाहर आ गई बंद करने। चाची इधर बर्तन धो रही है, चूहा और खेती जिस उद्योग खेती करता है धान रखता है ना उसके यहाँ चूहा बहुत ज्यादा रहता है, तो यहाँ बहुत ज्यादा चूहा है धान की वजह से खाने आ जाते हैं, तो छेद कर दिया है हमारे रूम में नहीं है पर ऐसे में छेद कर देते हैं तो मैं बंद कर रही हूँ। आई हूँ तो सोच रही हूँ रूम का भी थोड़ा मरम्मत कर लूँ, दोबारा आऊंगी तो छेद किया रहेगा कि नहीं करेगा देखते हैं। एक घर भी छेद है वहां पर भी बनाना है। तो दोस्तों मैं बिल चूहा का बिल था ना उसको ना छेद बंद कर ली हूँ और उसके बाद अभी जा रही हूँ मिर्ची लगाने, सुशीला बुलाई है वो भी लगा रही है ना मिर्ची लगा रहे हैं आज तो जा रही हूँ मैं भी, बोली थी साथ में लगाएंगे ऐसे करके जल्दी हो जाएगा तो जा रही हूँ। इधर सुशीला लगा रही है मिर्ची, लगा डाली वो जल्दी तो लगाई, अच्छा यहीं पर से तो लगाना था है ना, इधर लगा डाली तो पहले ही अच्छे एक लाइन लगा रहे हैं। देखिए मैं तीन चाटू डाल दे रही है, उधर गोबर खाद डाल रहे हैं और लगा रहे हैं, मैं भी लगाने जा रही हूँ थोड़ा सा एक लाइन। अदरक की डाल कुछ तो दोस्तों मिर्ची लगा ली है और उसके बाद ना प्याज यहाँ पर लगाए हुए हैं उसमें ना घास छोटा छोटा निकल गया था तो उसकी वजह से ना जो प्याज लगाया वो अच्छे से बढ़ नहीं रहा था, तो वही हम लोग अभी घास उखाड़ने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। घास उखाड़ने के बाद मैं आ गई थी घर, तो घर में देखे बच्चे मैगी बनाए हुए थे तो मुझे खाने के लिए दिए हुए थे, और नए साल के दिन हमारे यहाँ बन रहा है अंडर की सब्जी तो उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो देखिए कुछ ही पत्ता में वही मैं जो उड़द दाल वाला जो है ना उसका बैटर बनाई हूँ उसे लपेट रही हूँ और यहाँ पर सुशीला तल रही है, तो हम लोग मिल के बना ले रहे हैं अंडर की सब्जी। तो स्पेशल हमारे यहाँ नए साल के उपलक्ष्य में अंडर की सब्जी बन रही है और साथ में हम लोग मिलके बना लेंगे अभी। नए साल के उपलक्ष्य में बन रहा हमारे यहाँ अंडर की सब्जी और बनेगा 12 मतलब उसी के साथ में 12 भी और अंडर भी पक्का क्योंकि कम है कलर से, तो आज नए साल के उपलक्ष्य में अंडर बन रहा है। ये देखिए ऐसे पत्ता में लपेटते हैं कुछ पत्ता में दाल को, और पहले भी मैं ब्लॉग में दिखाई हूँ ऐसे और बन रहा है ये इस तरीके से उड़द दाल से बनाते हैं। उड़द दाल में बस नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और उसके बाद ऐसे फैला ले रही हूँ और ऐसे लपेट दे रही हूँ। सौरभ बता देगा, पता है सौरभ वो तो भाग गया है। अरे पापा निकल दें पापा मेरे को बोलते हैं बस जींस मंगाई थी कुछ नहीं ना बस
ये तो छूता ही बाहर निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, इधर कल रही है, बाकी कितना बनना था ना पत्ता वाला वो बन गया है। और उसके बाद अभी ऐसे 12 भी डालूंगी गोल गोल करके ऐसे। कितना बड़ा बड़ा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 1 तारीख और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और अभी हैं हम लोग रास्ते में, गाँव से होके ना हम लोग घर के लिए निकल गए अंबिकापुर के लिए। और गांव में रहे बहुत दिन, 2-3 दिन रहे, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आज तो मैं ब्लॉगिंग थोड़ा सा कर नहीं पाई, जब आ रहे थे तब का वही हम लोग 12 बना रहे थे ना खाने के लिए। आज स्पेशल हम लोग के यहाँ 12 बना था, 12 की सब्जी मतलब एंडर की सब्जी, तो वही बनाते बनाई। उसके बाद ना फिर हम लोग इधर तैयारी करने लग गए आने के लिए, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं बना, मतलब बना ही नहीं पाई। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं सोची कि चलो अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ करके, मतलब रास्ते में थे थोड़ा सा रुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी को विश कर दूँ, नहीं की थी तो। बस रास्ते में है, निकल गए हैं घर से, तो चलिए ऐसे ही बने रहेगा ब्लॉग में। और चलिए मिलती हूँ, रास्ते में ही हूँ, काफ़ी रात हो गया है और शाम को ही निकले थे हम लोग, तो काफ़ी रात भी हो गया है, तो ठीक है चलिए बने रहिएगा व्लॉग में, मिलती। तो दोस्तों हम लोग अंबिकापुर पहुंच गए हैं और रास्ते में इतना ठंडा भी लग रहा था ना, फिर हीटर ऑन कर दिया ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब नींद टाइप से लगने लगा है और बहुत ज़्यादा आलसी टाइप से लग रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा नींद टाइप से आँख में, मतलब घर पहुँचे और सो जाऊँ। और बच्चे बोल रहे थे चौपाटी, मतलब इधर अंबिकापुर पहुँच गए तो चौपाटी में कुछ खाएंगे ऐसे करके बोल रहे थे बच्चे, तो फिर यहाँ खिलाने के लिए ले आए चौपाटी में। तो मैं बोल रही हूँ कि पहले तुम लोग खा लो, फिर उसके बाद मेरे लिए ला देना, यहीं गाड़ी में मैं बैठी हूँ ऐसे, मतलब चौपाटी में ही पहुँच मतलब आ गए हैं, तो वही जा रहे हैं वो तीनों, देखिए इधर आ गए जा रहे हैं, तो मैं बस गाड़ी में भी बैठूँगी, वो ला देंगे तो खाऊँगी। तो बच्चे आ गए हैं, यही गाड़ी में ही लेके आ गए हैं खाने के लिए, तो क्या खा रहे हो? मोमोस लेके आए हुए हैं, जो हमारा फेवरेट है, है ना? और ना जहाँ पे हम लोग खाते हैं वो आज बंद है, तो दूसरे जगह से लेके आए हैं ये मोमोस। मैं भी पकड़ी हूँ यहाँ पर, मेरे लिए भी ला दी है, तो मैं भी खा रही हूँ ये। ठीक है हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद घर चलेंगे। क्या हुआ? मैं तो आधा सामान तो लाई ना। तो दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए हैं अभी, सारा सामान बहुत सारा लेके गए थे, जितना का पहनना नहीं था उतना का तो सामान ही ले गया था। ठंडा था तो हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा ठंड तो है, था वो बहुत ज़्यादा था, पर कपड़ा भी बहुत ज़्यादा पकड़ लिए थे, रास्ता ही रखते जा रही पूरा करना है तो। कपड़ा उपड़ा झूला झंडल पूरा लेके आ गए, दोनों अपने घर आ गए हैं, अब कल से स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ठीक है चलिए कपड़े सारा सामान इधर रखते हैं, कपड़ा ऊपर चेंज करते हैं फिर बोलते हैं चलिए। तो दोस्तों हाथ पर धो ली हूँ अभी, पर इतना ठंडा लग रहा ना कि धोने का मन नहीं कर रहा था, पर धो ली हूँ। और इधर परी पढ़ाई स्टार्ट करती है क्योंकि कल प्रोजेक्ट जमा करना है ना परी, क्योंकि अभी घूमने में खेलने में लगी हुई थी वहाँ गांव में, उसको कॉपी लेके गई थी पर बस आधा बनाई थी और आधा बनाई नहीं है, मैं बोली कि बना ले पर बनाई नहीं। और अभी ना इधर कुकर भी मतलब चावल चढ़ाए हैं, सीटी बज रहा है, तो उसको बोली कि परी को बोली कि पढ़ ले कंप्लीट करना है, फिर की अभी कर रही है कल जमा करना है, तो वो पढ़ाई स्टार्ट करती है। देखो सब इधर उधर
थोड़ा सा फैल गया है, नहीं तो आए समय तो घर साफ था क्योंकि ये घर में रहते थे तो, और अब वैसे भी साफ करके ही गई थी तो जैसा का जैसा ही रहेगा क्योंकि बच्चे थे नहीं इस वजह से, और कार्टून लगा के उसका अभियान चला गया है। और बच्चे रहते हैं तो ही गंदा होता है घर ज़्यादातर तो, और इतना ठंडा लग रहा है कि मैं उड़ के भी बैठती हूँ, मुझे ना बहुत ठंडा लग रहा है, कम्बल ही ओढ़ूंगी भी तो, ये वाला पतला वाला ओढ़ लेती हूँ। सब्जी बनवा के लेके आएंगे उसी के साथ में खाएंगे क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा है बनाने का इतना ठंडा में, अभी 9 भी बज गया है ना आते आते, और कुछ खा मतलब हम लोग उधर चौपाटी से कुछ कुछ खाए हुए थे, हमें भूख भी नहीं लग रहा है तो कुछ सब्जी बनवा के लेके आएंगे, और चावल चढ़ाए हैं तो फिर सब्जी लेके आएंगे तो खाएंगे। कार्टून का आवाज थोड़ा कम कर देती हूँ, बस अभी वो लेके आएंगे फिर खाएंगे फिर सोऊंगी। हाथ पर धो ली ना तो अब नींद भी चला गया तो क्या करूँ। और आप सब कैसे न्यू ईयर मनाएं कमेंट पे बताइएगा। हमारा तो गांव में थे सिंपल न्यू ईयर, मतलब गांव में तो सिंपल तरीके से मना लेते हैं, खाना मतलब वही खाना पीना चलता है, मतलब वही 12 बना था वही था, और वो सब्जी बनाए उसका इतने आप सभी को दिखा नहीं पाई क्योंकि फिर उसके बाद ना मैं वही 12 तल रहे थे ना उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, तो सुशीला बना ली थी पूरा खाना तो इस वजह से दिखा नहीं पाई। कपड़ा बहुत ज़्यादा धोना था सासू मम्मी जी का, तो बोली कि मेरा आए हो तो कपड़ा धो देना घर के उनका कम्बल वगैरह, तो वही मैं धोने चली गई थी और उसी में बहुत टाइम लग गया, धोने में बहुत ज़्यादा था 3-4 था कम्बल चादर वगैरह सब चीज़ था, तो ये सब धोते हुए मुझे बहुत टाइम लग गया इस वजह से वीडियो ही नहीं बना पाई। क्या हुआ तो देखिए दोस्तों, पनीर लेके आए हैं, ये पनीर ये चावल, तो अभी मैं खा लेती हूँ। तो खाना वाना खा ली हो और काफ़ी रात भी हो गया, तो चलिए इसी के साथ ही आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मिलती हूँ ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।